आक्रमण हो गया, भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण हो गया। इस आक्रमण यह आक्रमण मौर्य वंश से पहले था, अतः हम कह सकते हैं मौर्य वंश से स्थापना से पहले भारत पर हुए विदेशी आक्रमण। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर दो विदेशी आक्रमण हुआ था। जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरान से हुआ था, ईरान का पुराना नाम फारस था, ईरान का पुराना नाम फारस था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो यूनान से हुआ था, कहाँ से हुआ, यूनानी से, यूनान, इसी को मकदूनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, मकदूनिया, मकदूमिया, मकदूमिया कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, मकदूमिया कहा जाता है, क्योंकि मैसिडोनिया का हखमनी वंश के शासक डेरियस ने किया था। किसने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। लेकिन इस यह डेरियस प्रथम ही था जिसने सबसे पहले अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है, पत्थरों पर खुद के लिखना अभिलेख कहलाता है। कर लिया किसने, सिकंदर ने कब्जा कर लिया। तो ईरान यानी फारस के वंश पर किसने कब्जा कर लिया, सिकंदर ने कब्जा कर लिया। और यहाँ के राजा शाह दारा की बेटी रुखसाना से इसने शादी कर लिया, किसने शादी कर लिया, सिकंदर, किसने शादी कर लिया, सिकंदर ने शादी कर लिया। तो बताइए ध्यान से, ईरान में जो फारस, ईरान यानी फारसी में थे, उसमें राजा का नाम क्या था, डेरियस। किस वंश के थे, हखमनी, हखमनी वंश के शासक थे, हखमनी वंश के शासक थे ये डेरियस। और हखमनी वंश का अंत किसने कर दिया, तो सिकंदर ने किया। सिकंदर ने हखमनी वंश के राजा शाह दारा हखमनी वंश के राजा शाह दारा की बेटी रुखसाना से शादी कर लिया, जिसे रिक्सोना के नाम से जाना जाता है। आक्रमणकारी का नाम क्या था, सिकंदर। सिकंदर जो था 356 ईसा पूर्व जन्मा, कहाँ पे जन्म लिया, मैसिडोनिया में। कहाँ पर, मैसिडोनिया में जन्म लिया, कहाँ पे जन्म लिया, मैसिडोनिया में। पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, पत्नी का नाम रेक्सोना, गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो का ही नाम अप्लाटून कहते हैं, इसके गुरु सुकरात। सुकरात जो थे उन्होंने सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, झेलम नदी के तट पर। तो सिकंदर ने लड़ाई लड़ा किससे, पोरस से। सिकंदर सबसे पहले किससे लड़ा, गंधार के राजा आम्भिक से। गंधार के राजा का नाम क्या था, आम्भिक। बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया। जबकि वहीं आगे देखेंगे तो राजा पोरस जो थे, आक्रमण जब किया था तो पंजाब उस समय जो था वहां के राजा का नाम क्या था, पोरस। राजा पोरस ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लिया था, किस नदी के तट पर लड़ा था, झेलम नदी के तट पर लड़ा था, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस ने और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुआ। राजा पोरस की बहादुरी को देखकर राजा पोरस जब हार गए तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो राजा पोरस ने कहा कि मैं भले हारा हूं लेकिन मेरे साथ व्यवहार राजा की तरह किया जाएगा। व्यवहार कैसे किया जाएगा, राजा की तरह ही किया जाएगा। तो राजा इसकी बहादुरी को देखकर ये बहुत प्रसन्न हुआ। और सिकंदर की पत्नी रुखसाना यानी रेक्सोना राजा पोरस के हाथों पर राखी बांध दी और कही आज से हम लोग क्या हो गए, भाई हो गए, हमारे पति आपके भाई हो गए। सिकंदर जो था वो सेना में सबसे आगे खुद चलता था। सिकंदर ने आदेश दिया कि ब्यास नदी को पार करो और ब्यास नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करो। कितने लोग बता सकते हैं भारत पर उस समय किस वंश का शासन था, नंद वंश का। और नंद वंश में कौन सा राजा था, बताइए ध्यान से, नंद वंश में कौन सा राजा था उस समय, धनानंद। नंद वंश में उस समय धनानंद का शासन चल रहा था। नंद वंश में किसका शासन था उस समय, धनानंद का। पोरस भी क्या हो चुके थे, हार चुके थे। और यहाँ बहती थी ब्यास नदी और ये ऊपर जाती थी झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर किसे हरा दिया गया था, पोरस को। आम्भिक ने खुद ही अधीनता स्वीकार कर लिया था। और ये नदी थी आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ था तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी, जिसका पहला रीजन था बाढ़ आया। दूसरा, सिकंदर की सेना लगातार 7 सालों से 8 सालों से युद्ध लड़ रही थी। लगातार युद्ध के कारण सिकंदर की सेना जो थी वो थक चुकी थी। उनको घर सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का नाम था एलेक्जेंडर निकेटर। तो सिकंदर को क्या कहा जाता है, एलेक्जेंडर निकेटर या एलेक्जेंडर मैसिडोनियन। और सेल्यूकस निकेटर को तो सेल्यूकस निकेटर ही कहा जाता है। तो बताइए, राजा का नाम सिकंदर, थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, नौसेना प्रमुख का नाम नियारकस था,
सिकंदर कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? तो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उसने पूरे विश्व को जीता था, क्योंकि उस समय जितने दुनिया की खोज हुई थी जिसमें अफ्रीका था। अब फटाफट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। जहर का प्याला किसे दिया गया? जहर का प्याला किसे दिया गया? सुकरात को दिया गया। वेरी गुड। अप्लातून किसे कहा जाता है? अप्लातून किसे कहते हैं? अप्लातून प्लेटो को कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है। सिकंदर के पिताजी क्या नाम? सिकंदर के पिता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? वेरी गुड, फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, सही दिया था। उसकी खुद की पत्नी ओलंपिया ने जहर दे दिया था, खुद की पत्नी ओलंपिया ने जहर दे दिया था। बताइए, सिकंदर की पत्नी रुखसाना जिसे रेक्सोना कहते हैं, सिकंदर की पत्नी रुखसाना जिसे रेक्सोना कहते हैं, ईरान यानी फारस के किस राजा की बेटी थी? ईरान यानी फारस के किस राजा की बेटी थी? ईरान यानी फारस के किस राजा की बेटी थी? शाहदारा की। किसकी बेटी थी? शाहदारा की। अलेक्जेंडर के थल सेना प्रमुख कौन थे? अलेक्जेंडर, सॉरी वही सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम क्या था? अलेक्जेंडर, सेल्युकस निकेटर, सेल्युकस निकेटर। थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख का नाम क्या था? नियारकस, नियारकस था। क्या नाम था? नियारकस था। सिकंदर जो था, इसका असली नाम, सिकंदर का असली नाम क्या था? सिकंदर को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, अलेक्जेंडर निकेटर या अलेक्जेंडर मैक्सिडोनियन, अलेक्जेंडर निकेटर, अलेक्जेंडर निकेटर या अलेक्जेंडर मैसिडोनियन। मैसिडोनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैसिडोनिया का था। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सिकंदर का जो बेटा था, सिकंदर का पुत्र, उसका नाम था अलेक्जेंडर फोर्थ, अलेक्जेंडर फोर्थ, अलेक्जेंडर फोर्थ, और इसका नाम था अलेक्जेंडर थ्री, अलेक्जेंडर थ्री। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो फंस मत जाइएगा। सिकंदर का नाम अगर पूछ देगा इस तरह से तो नाम क्या हो जाएगा सिकंदर का? अलेक्जेंडर थ्री। और उसके रुखसाना या रेक्सोना, घोड़ा का नाम बेबीलोन, किस नदी को पार नहीं कर पाया? ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। पोरस को हराने के लिए किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। गंधार का वह राजा जो बिना लड़े इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? राजा आम्भिक। लड़े बिना लड़े अधीनता स्वीकार किया था? राजा आम्भिक। किसने स्वीकार किया? राजा आम्भिक ने बिना लड़े ही अधीनता को स्वीकार कर लिया था। राजा आम्भिक बेबीलोन में, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई, पेट में कुछ बीमारी हो गई उसको, डायरिया टाइप का, जिससे कि सिकंदर के शहर में हुई है। बेबीलोन, बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। बेबीलोन में ही झूलता हुआ बगीचा है जो कि सातवां अजूबा है। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो सिकंदर का जो घोड़ा था, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुके फराल, बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके फराल था। बुके फराल की भी मृत्यु हो गई। सिकंदर के घोड़ा बुके फराल क्या हो गई? मृत्यु हो गई वहीं पर। दोनों के दोनों की कब्र कहाँ पर है? इराक के शहर बेबीलोन में है। सिकंदर बहुत ही योग्य था। सिकंदर के गुरु राजा का नाम धनानंद था, ठीक है। और इधर में कौन था? सिकंदर। इधर में कौन था? सिकंदर। सिकंदर आक्रमण किया, यहां से सिकंदर लौट गया। सिकंदर लौटा तो मर गया। इधर धनानंद की हत्या किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा वंश स्थापित कर दिया? मौर्य वंश। राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां राजा चेंज हो गया। सिकंदर जब मर गया तो सिकंदर का सेनापति सेल्युकस, सेल्युकस निकेटर, निकेटर, सेल्युकस निकेटर आया। लौट के कौन आया? सेल्युकस निकेटर। लौट के कौन आया? सेल्युकस निकेटर। लौट के कौन आया? सेल्युकस निकेटर। तो दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का नाम क्या था? सेल्युकस निकेटर था। अब यह आक्रमण करने आया तो इसको लगा कि यहां पर तो धनानंद का शासन होगा, किंतु धनानंद को मार चुका था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बाबू मेरे, इसी समय सेल्युकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। लेकिन इस बकलोलवा को पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही योग्य शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य इजिली जीत गया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? इजिली जीत गया। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीता तो सेल्युकस निकेटर हार गए। सेल्युकस निकेटर ने कहा कि हम अपनी अधीनता स्वीकार। सेल्युकस निकेटर की बेटी का नाम था कार्नेलिया। इसकी बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से भी विवाह कर लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देख रहे हैं, पहले मारा धनानंद को, इसकी बेटी दुर्धरा से विवाह किया, उसके बाद हराया सेल्युकस को, इसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह किया। इसी को हेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलन, हेलन। दहेज जो लिया, दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ले लिया, दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लिया। एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई, एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस। हेलन या रक्सोना, ये किसकी थी? सेल्युकस निकेटर। इतना जबरदस्त शादी किया, दोनों एक नंबर मिस इंडिया थी, मिस यूनिवर्स उस समय की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य, अब ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, एक दिन अपनी दूसरी पत्नी कार्नेलिया से पूछा, तुम्हारे अब्बा हमारे पे हमला क्यों किए थे? तो इसने कहा कि हाथी चाहिए था अब्बा को, हाथी तो मिला नहीं, उल्टे दामाद मिल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे गिफ्ट में 500 हाथियां दिया था। कितनी हाथी दिया था? 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। कहा कि ले जाओ ससुर जी, इतना बढ़िया बेटी। बेटी कार्नेलिया का ध्यान रखने के लिए तथा इससे इससे बातचीत बढ़ी, तो इसका भाषा कल्चर सब अलग था। बिहार में आके लिट्टी चोखा खाती बेचारी का, इसका हालत खराब हो जाता, तो कोई बोलने बताने वाला चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए इसने मेघा अस्थनीज को छोड़ा था। मेघा, मेघा अस्थनीज, किसे छोड़ा? मेघा अस्थनीज को। तो बताइए, मेघा अस्थनीज किसका दूत था? सेल्युकस निकेटर का दूत था। किसके लिए आया था? कार्नेलिया के लिए। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका, पुस्तक का नाम इंडिका। बताइए, कार्नेलिया के समय बदल जाया था।
कार्नेलिया के समय मेघास्थनीज आया था। समझ में आ गया, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्वेश्चन था, समझ में आ गया, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्वेश्चन पूछेगा मगध की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, इंडिका से। मगध की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, इंडिका से। मगध की जानकारी किस पुस्तक से, जाओ। लेकिन मगध का पहला राजा जिसने पूरे भारत पर राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद से भी बड़ा क्षेत्र किसका हो गया, चंद्रगुप्त। दहेज में क्या कर लिया, मगध का पहला राजा। लेकिन हम आपको वंश के बारे में बताते हैं, टोटल कितने महाजनपद हैं, 16। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा। यह 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद थी, इसमें बिहार में दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा महाजनपद मगध। मगध का पहला राजा का नाम बिंबिसार, पहला वंश का नाम हरियाणक वंश। इसने धीरे धीरे कब्जा करते 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। नंद वंश के शासक धनानंद के समय पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था, आसन एकात्मक हो चुकी थी, पूरा कंट्रोल केंद्र से होता था। इसी बीच आया सिकंदर से पहले भी ईरानी शासक डेरियस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी डेरियस, पता डेरियस किस वंश का शासक, हकमनी वंश। हकमनी वंश ईरान के, हकमनी वंश का अंत किसने कर दिया, सिकंदर। और ईरान के शासक शाहदारा की बेटी, इंजेक्शन देखा मैं दासोन का इंजेक्शन होती थी, अभी दोनों मिलकर मार करता था जीजा साला, दोनों मिलकर। नहीं समझ आया, बताइए गांधार के किस राजा ने बिना लड़े सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, तक्षशिला। आम्बिक तक्षशिला के राजा का लड़का था और उसने अधीनता स्वीकार कर दिया। पंजाब के राजा का बैचमेट था, पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला में पढ़ा, आम्बिक भी तक्षशिला। आम्बिक तक्षशिला के राजा का लड़का था और उसने अधीनता स्वीकार कर दिया। पंजाब के राजा पोरस युद्ध किए थे, युद्ध में हार गए थे, लेकिन सिकंदर की बड़ी वीरता के साथ क्या किए थे, सामना किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी आगे की लड़ाई में साथ दिएगा। सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार नहीं की, व्यास। कौन सी नदी, व्यास। मौर्य जाति से निम्न जाति के थे, शूद्र जाति। किस जाति के, शूद्र। जस्ट इससे पहले जाति से निम्न जाति के थे, शूद्र जाति। किस जाति के, शूद्र। जस्ट इससे पहले नंद वंश भी किस जाति का, शूद्र। और इसने राजपूतों के अंत करने के लिए सर्व छत्रांतक उपाधि भी धारण कर ली। हालांकि केंद्रीय शासन किसके समय हुआ, नंद वंश। नंद वंश शासक बने थे चाणक्य। चाणक्य का ही नाम क्या था, विष्णुगुप्त। उन्हीं का नाम कौटिल्य। उन्हें अपनी सभा से बेइज्जत करके किसने भगाया था, धनानंद। अतः उन्होंने बदला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहां ले गए, तक्षशिला। वहां पूरी शिक्षा दिए और तब नंद की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने क्या किया, हमला कर दिया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा को फंसा लिया था और दुर्धरा ने सारी सूचना दे दी थी। तो ये सब चीजें भी बहुत मायने रखता है, समझा गया कि नहीं। मौर्य देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाएंगे ना तो गुप्त वंश हो जाएगा, मौर्य वंश से खत्म हो जाएगा। केवल चंद्रगुप्त लगा देंगे तो कौन सा वंश हो जाएगा, तो दूसरे हो जाएगा। यहाँ से सीधे फिर 500 साल आगे चले जाएगा यहाँ पर। इसलिए मौर्य लगाएंगे तभी जाके क्या होगा आपको, चंद्र मौर्य। इसने सागर अभिलेख बनवाया, कहाँ पर, गोरखपुर में। ये सागर अभिलेख की दो विशेषता, पहला कि ये तांबा का है, दूसरा इसमें अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात राजा जनता की किस तरह से मदद करता था इसकी जानकारी लिखी हुई थी। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन था, अकाल के दौरान जनता की मदद के लिए पहुंचाए जाने वाले राहत सामग्री की चर्चा किस अभिलेख में, सागर अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिला है सागर अभिलेख। एक और वजह से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारा काम किए थे, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था और गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण इसने किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताइए बिहार से जाकर गुजरात में झील का निर्माण करना, इसका मतलब उस समय बिहार आगे था और गुजरात क्या था, पीछे। राज्य उस समय जूनागढ़ कहलाता था, तो जूनागढ़ राज्य में सुदर्शन झील का निर्माण कराया और इस झील का निर्माण करा के उसने नाम तक नहीं लिखा कि इसने हमने बनवाया है। बाद में वहां पर रुद्रदामन नामक एक व्यक्ति शासक आया जो 1000 साल के बाद आया था, रुद्रदामन नामक शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के 1000 साल बाद आया रुद्रदामन, उसने पता किया कि भैया ये झील तो बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से बनाया, नेचुरल है, नहीं किसने बनवाया था, इतना बड़ा अभिलेख लिखा। और उस अभिलेख में उसने कहा कि मैं रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूं, बल्कि न कि निर्माण करा रहा हूं, इसका मूल निर्माण मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर कराया था ताकि गुजरात के लोग खेती कर सके। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम दिशा तक था, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या चंद्रगुप्त मौर्य का है, नहीं, किसका है, रुद्रदम। किसका है, रुद्रदम। हेलन या कार्नेलिया। दहेज में क्या ले लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। उस समय उसका नाम एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई, एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया और पेरिस पेमियाई, ये नाम उस समय। बता सकते हैं उसकी पुस्तक का नाम, इंडिका। मौर्य वंश की जानकारी, इंडिका। मौर्य प्रशासन की जानकारी, इंडिका। उसने कहा था कि समय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। उसने लिखा कि भारतीयों को पढ़ने में रुचि है, सुनने में रुचि है, लिखना नहीं चाहते हैं सभी सर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी आपको पीडीएफ ही दे देते हैं। यहाँ लिख रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से भी क्या किया, वहां लिख रहा है सेंड्रोकोटस ने। तो किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया, विलियम जोन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन। बीपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है ना तो गुप्त वंश और मौर्य वंश, ये दूसरे क्वेश्चन बढ़िया। रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने किसके रूप में किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके नेतृत्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसी और किसके सहयोग से राजा बने थे, चाणक्य। जाति से ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। अब सोचिए उस समय भी भारत में इतनी आजादी थी कि आप जो, किसी को दिक्कत नहीं ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना शासन किसे सौंप दिया, बिंदुसार। और जैन भिक्षुक भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चला गया, दक्षिण भारत। कहां चला गया, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व
संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग, संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। किसी को कोई दिक्कत? किसके सहयोग? चाणक्य के गुरु पिता का नाम गुणी था, मतलब बहुत गुण वाले, क्वालिटी वाले, गुणी था। चाणक्य के पिता का नाम के जो थे, इनका दूसरा नाम कौटिल्य था, एक और नाम विष्णु गुप्त। क्या नाम था? विष्णु गुप्त। इनके पिता का नाम गुणी था, पिता का नाम, पिता जो थे वो गुणी थे, गुणी सा। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध क्या इकोनॉमी से है? किसे? राजनीति से। राजनीति से किसे? राजनीति, राजनीति से। देखिए यूरोप में एक मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, और एक और है आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार युद्ध की कला, उससे बस नहीं है। द प्रिंस, मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या? राजा। प्रिंस मतलब क्या होता है? राजा। तो द प्रिंस की तुलना किससे कराई जाती है? अर्थशास्त्र। और मैकियावेली की तुलना किससे कराई जाती है? चाणक्य से। यूरोप का था ये, दोनों ने राजनीति से रिलेटेड पुस्तक लिखा है। और इन पूरे इन पुस्तक में बहुत सारे सुने हैं, तो इसने बहुत सारा सिद्धांत दिया था, चार प्रमुख सिद्धांत दिया राजा के लिए, शाम, दाम, दंड, भेद। भेद आज भी इसी पे फॉलो होता है। देखिए शाम मतलब होता है बातचीत, डिप्लोमेसी, कूटनीति। शाम मतलब क्या होता है? बातचीत, कूटनीति, डिप्लोमेसी। देखे होंगे चाइना के साथ इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है, कि एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। उसने सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी हो जाता है जी राजा, उसका राजा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा होता है आमात्य यानी मंत्री, आमात्य मतलब आमात्य मंत्री, आमात्य राक्षस। क्या नाम था? राक्षस, राक्षस। हालांकि आमात्य राक्षस भी जाति से ब्राह्मण और बहुत तेज दुर्ग होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दुर्ग। दुर्ग इन द सेंस है कि उसके पास मोनूमेंट्स ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए राजपूतों के किला महाराष्ट्र या राजस्थान के, भयानक दुर्ग, देखते आदमी का दिमाग दहल जाएगा। बस उन राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ होना चाहिए। उसके बाद जनता, जन यानी जनता, जनता का भरपूर समर्थन होना चाहिए। जनता का क्या होना चाहिए? भरपूर समर्थन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दंड। सजा बहुत भयानक होना चाहिए। सऊदी अरब एक देश है जहां चोरी की जगह तो हाथ काट देगा आपका। दुर्ग हो गया, दंड हो गया, और क्या जी भाई? कोष। क्या होना चाहिए? कोष। पैसा होना चाहिए, इन कि पाकिस्तान की तरह मरियल और श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाए। मित्र क्या मैटर करता है? मित्र आपके दोस्त कैसे? राजा का दोस्त जबरदस्त होना चाहिए। 1971 दोस्त जबरदस्त होना चाहिए। 1971 में हम लोग नेक्स्ट टू, मतलब एकदम समझिए कि जितना इम्पॉसिबल था, बोलते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरी नाटो सेना भारत के ऊपर हमला करने के लिए चली आई थी। क्या बोलेगा अमेरिका? ये परमाणु बम मारने आया था। उस समय भारत का साथ दिया था रूस, अकेले आके 40वां बेड़ा खड़ा कर दिया। राजत्व सिद्धांत में कुल कितने सिद्धांत हैं? मैकियावेली की तुलना किससे की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक का नाम नहीं, चाणक्य की पुस्तक का नाम। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 15 लेसन है, 15 अधिकरण है, लेसन है यहाँ पर। इसमें राजनीति की चर्चा है, इकोनॉमी की चर्चा नहीं है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सत्ता किसे देके चला गया? कौन चला गया? बिंदुसार। अगला शासक कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य महान थे कि नहीं? और अशोक और महान, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार जो था कहा गया, ये बिंदुसार हो गया। इसके बाद कौन आया? अशोक। तो यह एक ऐसा शासक था जिसका बाप भी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य व्यक्ति था। इसके गुरु चाणक्य ने इसे राजा बना दिया, धनानंद के शासन को अंत कर दिया। हालांकि धनानंद नंद वंश का शासन था, इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था धनानंद के समय, हालांकि वो सफल इधर ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था। धनानंद के बाद जो पिता थे, धनानंद के पिता का नाम क्या था? महापद्म, केंद्रीय शासन के जनक महापद्म नंद, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि महापद्म नंद, एकराट की उपाधि महान, कलिंग जीता महापद्म, कलिंग में नहर निर्माण कराया महापद्म, धनानंद ने नहर निर्माण करा दिया, कलिंग जीता कौन था? महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा, दूसरी का नाम कार्नन। बताइए सेल्यूकस निकेटर किसके समय आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत किसे भेजा था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, इंडिका। मौर्य वंश की जानकारी सर्वाधिक किस पुस्तक से? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम? चाणक्य की पुस्तक का नाम? चाणक्य की पुस्तक। अर्थशास्त्र में कितने लेसन? 15। अर्थशास्त्र में कुल कितने लेसन? 15 लेसन है अर्थशास्त्र के अंदर। आगे बढ़ जाना, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारा काम किया, और अभिलेख
उसमें किस चीज की चर्चा? अकाल की। किसकी चर्चा? अकाल। अकाल क्या होता? फसल जब खराब हो जाती थी ना, तो राजा अपना अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। बिंदुसार दुर्धरा का बेटा था, यानी उसकी पहली पत्नी का ही क्या था? बेटा। सीरिया से, सीरिया, और एक आया मिस्र से, सीरिया और मिस्र से। देखिए उस समय सिकंदर का साम्राज्य जो था टूट चुका, सेल्यूकस निकेटर को चंद गुमान ने हरा दिया। धीरे धीरे वहां का साम्राज्य टूट गया, वो मैसिडोनिया से लेकर सीरिया तक था, लेकिन धीरे धीरे टूटकर छोटा सा बस कहां तक बच गया? सीरिया तक। सीरिया के जो नरेश थे उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा, नाम क्या था उसका? डायमेकस। सीरिया नरेश का राजदूत डायमेकस, क्या था? डायमेकस। और मिस्र के राजा डायनेसियस, इसका था डायनेसियस, इसके राजदूत का नाम क्या था? डायनेसियस। देखिए मेगास्थनीज जो था वो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त में। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डायमेट। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेट, डायमेकस को माना जाता है। बिंदुसार ने डायमेकस से कहा कि अपने राजा से कहो ना हमारे लिए मीठा शराब भेजे, तो मीठा शराब भेजा। कहा कि अंजीर भेजे, तो अंजीर भी भेज दिया। अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, उसे मतलब चीज का आप कच्चा खा जाएगा, ये कैंसर है। अंजीर है, काफी अच्छा एनर्जेटिक रहता है यहाँ पर। बट अंजीर के राजा का नाम ज्यादा फिलाडेल्फ, फिलाडेल्फ के राजदूत का नाम डायनेसियस। तो ये वाले राजदूत को मत भूलिएगा, किसके समय आया था? बिंदुसार के समय। किसके समय आया? बिंदुसार एक योग्य शासक तो नहीं कह सकते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार के समय गांधार और कश्मीर के क्षेत्र में विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने पहली बार भेजा सुसीम को, सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाए। हालांकि बिंदुसार का बड़े बेटे का नाम था सुसीम, सुसीम इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। सुसीमे को पकड़ के बड़ी मार मारा से कश्मीर वाला ईंटा चला चला के। अवंती का राजकुमार कौन था? अवंती का राजपाल अशोक। तो बिंदुसार मगध किसके अंडर में था? तो इसने कहा अशोक को कि बाबू जाता था श्रीनगर कश्मीर में, गया कश्मीर में, बड़ी खतरनाक था, मारा रद्द कर दिया यहाँ पे। अशोक ने पूरी तरह से विद्रोह को शांत कर दिया, बहुत ही निर्मम तरीके से, जो मिला सबको काट कूट के रद्द कर दिया। अशोक ने कहा कोई विद्रोह करेगा तो बताओ, किसी को दिक्कत? जैसे अभी हॉल नंबर एक में किसी से कहते नगर शहर की स्थापना किया। कलहन नामक व्यक्ति की पुस्तक है राज तरंग, उस राज तरंगनी में इसकी चर्चा की गई है। कलहन की पुस्तक राज तरंगनी में किसकी चर्चा है? अशोक के कश्मीर अभियान में। किसी किसकी? अशोक के कश्मीर अभियान में। बोलो उत्तराधिकारी बना अशोक। तुम कहां गया गधा? सुसीम के बारे में कोई जानकारी नहीं। कौन बैठ गया? अशोक। अशोक जो था वो सिंहासन में बैठा था, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने 99 भाइयों को मार के बैठा था। समझ में गया? कितने भाइयों को? 99। तो ऐसा कहा जाता है कि अगम कुआं के पास एक कुआं था चंडी कुआं, उसमें उसने 99 भाइयों को काट के राजा बन गया। हालांकि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य मेरे को उत्तर था, इसलिए इसे अमित्र घात कहा जाता था, मित्रों शत्रुओं का नाश करना। देखिए कश्मीर को शांत कर दिया किसने? बिंदुसार ने। किसके थ्रू? अशोक के थ्रू। अमित्र घात किसे कहते हैं? बिंदुसार को। एक पिता का पुत्र, पुत्र का पिता किसे कहते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार को कहते हैं। बिंदुसार के बाद सिंहासन पे कौन बैठा? पत्नी में सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी। कारूबाकी का कौन सा अभिलेख मिला? कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। अशोक ने, अशोक ने क्या बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित किया? कभी भी इसने सरकारी धर्म घोषित नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अशोक के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे स्तूप भी निर्माण किए गए थे। स्तूप जो होते हैं ना, इसे जिसमें सबसे बड़ा है सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप सांची। तो सर्वाधिक स्तूप निर्माण किसने कराया था? सर्वाधिक स्तूप निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किया, आठवें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। और आठवें वर्ष से ही अशोक जो था उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब आप टेंशन में रहेंगे ना, एक ही जगह रहिएगा तो और टेंशन होगा। तो देखा जाए ना, देखिए अशोक का जो जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व, यहां अशोक का क्या हो गया जन्म? तेज बोलो ना, जन्म कब हुआ? 403 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व, 269 यानी 269 ईसा पूर्व में इसने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक। क्या करा? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कराया था। आगे देखिए, तो इसने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के आठवें वर्ष अर्थात 269 ईसा पूर्व, ये राज्याभिषेक के कौते वर्ष? आठवें वर्ष। इसने कौन सा युद्ध कर दिया? कलिंग। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध किसके लिए? हाथियों के लिए किया गया था, कलिंग का युद्ध। हालांकि कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा लोगों की जाने गई, इतनी ज्यादा जान गई कि अशोक जो था वो देख के एकदम मर्माहित हो उठा। छोटे छोटे बच्चों को भी तीर लग गया था, एकदम कोई एकदम दो कोई 10 दिन का लड़का अफगानिस्तान तक चला गया। हालांकि अशोक ने जब इस युद्ध को किया तो उसके पूरे हृदय परिवर्तित हो गया। वो भैरी घोष यानी युद्ध नीति को त्याग कर धम्य घोष यानी धार्मिक चीजों पर चलने का निर्णय कर लिया। और उसने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष जो कलिंग युद्ध किया था, इसकी जानकारी दो जगह से मिलती है। एक इसके 13वें
में शिलालेख से मिलती है, दूसरा कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग इनका नाम उड़ीसा को ही क्या कहते हैं, कलिंग, उड़ीसा को क्या कहेंगे, कलिंग बेल। खारवेल का कौन सा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने लिखा है कि जिस वक्त मगध नरेश चंद अशोक, मगध नरेश अशोक, ये तो पूरा का पूरा किसका था, मगध का क्षेत्र था, और यहाँ पे था कलिंग, अभिलेख से मिलती है। किसने, किसका है वो, खारवेल। खारवेल ने लिखा है कि जिस वक्त कलिंग युद्ध हुआ था उस समय शासक जो थे वो नंदराज थे। कौन थे, नंदराज। खारवेल के समय थोड़ी हुआ था, किसके समय युद्ध हुआ था, नंदराज। किसके समय युद्ध हुआ था, नंदराज। चौथे वर्ष, आठवें वर्ष। तो ये खारवेल के कौन सा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख, किसे, हाथी गुफा अभिलेख से। और दूसरा तेरहवां शिलालेख, तो ये उस दोनों से जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष यानी धर्म की नीति को अपना लिया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसे अपने भतीजा निग्रोध से मिली थी। भतीजा निग्रोध से, किससे प्रेरणा मिली, निग्रोध से। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त नामक विद्वान ने दिया था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया, उपगुप्त। अब बौद्ध धर्म की प्रेरणा बताइए, भतीजा, भतीजा था निग्रोध और उपगुप्त क्या था, गुरु, एक तरह से इसके लिए गुरु हो गए, शिक्षा दिया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। समझा गया कि नहीं, पांच पत्नी के बाद ये बोलना की जरूरत है कि पांच ब्याह किया था, तो ऐसे ही समझ जाए यहाँ पर। तो पांच पत्नी में सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी, तो कारूबाकी का एक अभिलेख भी है इसका, कारूबाकी का एक अभिलेख भी मिला है कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, इलाहाबाद के आगे जाएंगे ना तो आपको कौशाम्बी मिलेगा, थोड़ा सा नीचे बुंदेलखंड के एरिया में आपको पड़ेगा, तो थोड़ा सूखा ग्रस्त एरिया, उस समय कौशाम्बी बहुत बड़ा शहर होता था। फिलहाल इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कारूबाकी ने ही अशोक को कहा था कि युद्ध उद्ध मत कीजिए, मारधार मत कीजिए। जो था इसका उत्तराधिकारी आया था इसके बाद, जब अशोक के बाद अगला राजा कौन बना, कुणाल बना, लेकिन महेंद्र और संगमित्रा इन दोनों को उसने कहाँ भेजा था, श्रीलंका, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। श्रीलंका में सिंघल राजवंश था, सिंघल राजवंश के राजा ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म। आज भी वहां पर 80 स्तूप जो होता है ना, इसे गोल टाइप का ऐसा स्तूप होता, लगभग 84,000 के आसपास स्तूप स्थापित किए गए, जिसमें सबसे बड़ा है सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप सांची, सर्वाधिक स्तूप निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किया, आठवें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में रहना चाहिए। तो आठवें वर्ष से उसने यात्रा चालू किया जिसे धम्म यात्रा कहते थे। तो किस वर्ष से चालू किया, आठवें वर्ष, कलिंग युद्ध आठवें वर्ष। अब वो हर साल कहीं ना कहीं, हर साल कौन सी, हर 2-3 महीना पे कहीं ना कहीं जाता था, सभा आयोजित करता था और लोग उसके सभा में आके सुनते थे। कई सारे ऐसे गुफा भी निर्माण कराए थे। इसी सिलसिले में अशोक जो था जब गया पहुंचा था, तो गया में एक जगह है बराबर, गया में जगह क्या है, बराबर। आप में जो गया के होंगे उनको पता होगा, गया में जाएंगे तो तू गया का ही है, कोटा नहीं सुनाई दे रहा। बराबर जो जगह है वहां पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, तो बराबर के पहाड़ों में इसने खोद खोद कर गुफा बनवाया था और उसमें चार गुफाओं का निर्माण हुआ था, कर्ण चोपड़ा सुदामा, कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी, कितनी गुफाएं, चार, सुदामा कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी, सुदामा कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी, भक्तों को दे दिया, किसे दे दिया, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया, कितनी गुफाएं दिया था। अशोक के बाद आया था एक शख्स, अशोक के जस्ट उत्तराधिकारी शासक का नाम था कुणाल, उसने भी नागार्जुन की गुफाओं को दान में दे दिया था, कौन सी गुफा को, नागर, तो नागार्जुन की गुफा अशोक दिया कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल ने दे, किसने दे दिया, कुणाल। अब चूंकि गुफा उपा की बात आई है, तो एक ही झाड़ी की गुफाओं को अशोक ने बौद्ध धर्म को दे दिया, किसे, आजीवक संप्रदाय, जबकि अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध, उससे पहले वह ब्राह्मण धर्म को मानता था। अब आप देखिए, एक ही वंश है, एक ही खानदान, उससे पहले वह ब्राह्मण धर्म को मानता था। अब आप देखिए, एक ही वंश है, एक ही खानदान है, चंद्रगुप्त मौर्य मान लिया जैन धर्म, बिंदुसार मान लिया आजीवक, अशोक मान लिया बौद्ध धर्म, और आज के समय में आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोगली पोतिस गोसाल। कौन सी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, अशोक के समय हुए तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पोतिस गोसाल। अशोक बौद्ध धर्म का होने के बावजूद सरकारी खर्च पर जब बराबर की पहाड़ी में चार गुफा बना के दूसरे धर्म आजीवक संप्रदाय को दे सकता है, इसका मतलब वो धार्मिक सहिष्णु यज्ञ करने वाला व्यक्ति था, न कि धार्मिक रूप से कट्टर था। धार्मिक कट्टरता का मतलब जो हम बोल रहे हैं तो सही है। और अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को ईरान के शासक डेरियस से, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस, ईरान के शासक डेरियस से मिली थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अशोक ने अपने अभिलेख कई लिपियों में लिखा, एक ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा लिखा। भारत में कौन सी लिपि,
पाकिस्तान के साइड में खरोष्टी, खरोष्टी लिपि इधर से लिखा जाता है, उर्दू जो लिखा जाता है वो खरोष्टी लिपि में लिखा है, दाहिने से बाएं, और ये जो ब्राह्मी है इस साइड से लिखते हैं, देवनागरी भी बाएं से दाएं। तो अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, उसके बाद खरोष्टी लिपि, अब अफगानिस्तान में अरमाइड, और अफगानिस्तान से आगे जाएंगे तो ग्रीक, किसमें ग्रीक। तो अशोक के अभिलेख कितनी भाषा में, कितनी लिपियों में, अच्छा सर्वाधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक ब्राह्मी, उसके बाद खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइड, अफगानिस्तान के आगे ग्रीक भी है, यानी पत्थर पे लिखा हुआ है, स्तंभ लेख यानी पिलर पे भी लिखा हुआ है, गुफा लेख यानी गुफा में भी लिखा, दीवार पे लिख देंगे तो भित्ति लेख कहलाता है। तो अशोक के अभिलेख, कि अशोक के अभिलेख लिखने के लिए कहां से आते हैं, चुनार से आते हैं। फेनथेलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था, खोजा था, लेकिन उससे पढ़ नहीं पाया था, पढ़ने के लिए सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, फेनथेलर ने क्या किया था, खोजा था, अशोक के अभिलेखों को क्या किया था, खोजा था। तो बताइए इसको पत्थर कहां मिलते थे अभिलेख के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनार से। फेनथेलर कौन थे, फेनथेलर सबसे पहले खोजे थे, और पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनके अभिलेखों को क्या किया था, पढ़ा। इसके अभिलेख जो थे पूरे भारत में अन्यत्र बिखरे हुए थे, कोई अफगानिस्तान में मिला, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई रावलपिंडी, कोई कश्मीर, कोई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पूरे रैंडम बिखरा हुआ था, और किसी को पता ही नहीं था कि है कहाँ। आज ना आपको सुव्यवस्थित, उस समय जब नए खोज करता थे इनको कुछ भी नहीं पता था, चुनार कहाँ पर है, मिर्जापुर के पास यूपी में है, आपका यूपी बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है चुनार, तो इसे ढूंढना का। दूसरा कि अशोक ने अपने अभिलेख में कभी भी अपना नाम अशोक नहीं लिखा है, बल्कि उसके जगह उसने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, प्रिय ने अपना नाम लिखा है, जैसे गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मास्की कहाँ है, कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, गुर्जरा और मास्की में इसने अपने नाम के आगे अशोक का प्रयोग किया है, क्या किया, अशोक। बाकी सारे अभिलेख में क्या लिखा है, देव नाम पर, जैसे आप देखेंगे ना साइन किया जाता है, कोई लेटर वगैरह निकलता है ना, लास्ट अभिलेख है जिसका नाम है भबरू अभिलेख, कौन सा अभिलेख, भबरू, भबरू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान, भबरू अभिलेख राजस्थान। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा है, बौद्ध धर्म के किसकी है, त्रिरत्न की, और इसी अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध सम्राट कहा है, मगध सम्राट, मगध सम्राट अशोक। अब तो कंफर्म हो गया कि भैया ये वही वाला, खुद को किसमें बोला है, किस अभिलेख में, भबरू, त्रिरत्न की चर्चा भबरू, गुर्जरा और मास्की में, नेटूर तथा उदयगुलान में अशोक, नेटूर और उदयगुलान में अशोक शब्द प्रयोग किया गया, बाकी सारे जगह पे देव नाम प्रिय शिलालेख बनवाया, चल यही सबसे फेमस थे। हालांकि इसने तो 84,000 से ज्यादा स्तूप बनवाए, जिसमें सबसे फेमस कहाँ का स्तूप, सांची, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश, बिहार का सबसे फेमस स्तूप, शांति स्तूप राजगीर, बिहार का सबसे फेमस शांति स्तूप, शांति स्तूप कहाँ है, पता था, राजुक युक्तक और प्रदेशक की चर्चा किसमें, तीर, तो तीसरा अभिलेख, तीसरी चर्चा, तीन गो अधिकारी की चर्चा, चौथा में भैरी घोष, कौन सा है, भैरी घोष, भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध, भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष, कौन सा, धम्म घोष, धम्म घोष का मतलब होता है मानवता का धर्म, कौन सा धर्म, मानवता का धर्म। तो मानव अधिकारी है वो किससे मिल सकते हैं, अशोक से मिल सकते हैं, मटेरियल में नहीं लिखा है जी, क्या लिखा है, समाज कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए, जन कल्याण के लिए, कल्याण के लिए उसके अधिकारी किससे मिल सकते हैं, समाज कल्याण के लिए उसके अधिकारी जब चाहे किससे मिल सकते हैं, अशोक। सेम इसी चीज को कॉपी कर लिया जहांगीर ने, जहांगीर ने न्याय का जंजीर टंगवा दिया और कहा किसी को दिक्कत है तो टंटनाइए, हम आ जाएंगे आपके लिए न्याय कर देंगे, समझ रहे हैं क्या जी, रैली टाइप का था, पहले घोषणा होता था आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच बताइए गया चौथे वर्ष गए थे, दसवें और लुम्बनी बीसवें, और ये यात्रा चौथे वर्ष से चालू है, आठवें कलिंग युद्ध, आठवें धम्म यात्रा, आठवें किस अभिलेख में, आठवां, कितना सिंपल है, नहीं समझे, आठवें वर्ष से धम्म यात्रा और आठवें अभिलेख में ही है, और तीन को अधिकारी है तीसरे अभिलेख में, ये सिंपल है। नौवां में लिखने वाला लेखक को किसे जिम्मेदार ठहरा दिया, लेखक को, तो इसका मतलब चौदहवां किसी काम का नहीं है, तेरहवें को लास्ट समझिए, लेकिन गिनती में तो चौदह रखना पड़ेगा ना। कलिंग युद्ध किसमें है, लास्ट, एकदम तेरह, एक तरह का लास्ट ही है। और स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र, धम्म महामात्र पांच, धम्म महामात्र पांच, अधम्म का महत्व दस, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म का महत्व तुम बताओ, जेब्रा, धम्म का महत्व, छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध, छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध, धम्म यात्रा, आप धार्मिक आपसी समन्वय, अधिकारी जब चाहे मिल सकते, राजयुग युग तक प्रदेश, बताइए अभिलेख प्रदेश, बताइए अभिलेख लिखने के लिए पत्थर, चुनाव,
अभिलेख लिखने पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंस अभिलेख को खोजा सबसे पहले था। फेंथेलर किसने खोजा था? फेंथेलर पत्थर चुनार से। अशोक ने खुद को सम्राट बताया भबरू अभिलेख किसमें? भब गुर्जरा और मास्की में अशोक। नेटूर और उदय गोलान में भी अशोक। बाटूर और उदय गोलान में भी अशोक। बाकी जगहों पे देव नाम प्रिय को अशोक के 14 शिलालेख याद हो गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? धम्म यात्रा आप धम्म का महत्व धम्म में महामात्र स्त्री महामात्र पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा पशु हत्या पे प्रतिबंध। चलिए याद है तुम लोग को स्त्री महामात्र की चर्चा धम्म में महामात्र भैरी घोष के जगह धम्म घोष सबसे बड़ा शिलालेख कलिंग युद्ध ब्राह्मणों को न सताएं छोटे मोटे त्योहार पर धम्म का महत्व धम्म यात्रा उसके अधिकारी जब चाहे मिल सकते हैं जगह से मिले समझ आगे कि नहीं आ गया? सब जगह इधर उधर बिखरे हुए थे मिले थे सब। अब कुछ अशोक के छोटे शिलालेखों के बारे में हम लोग देखते हैं। किसके बारे में? छोटा से पहला आता है रुमन देई अभिलेख। कौन सा? रुमन देई अभिलेख। रुमन देई अभिलेख ये गलती लिख दिया मेटेरियल में, ये लुम्बनी में है। कहा है? लुम्बनी। आपने अफगानिस्तान लिख दिया तो ये कहां पर है? लुम्बनी में। सबसे छोटा है समझ आगे कि नहीं? कहां पर है? लुम्बनी में। मात्र अभिलेख है इसमें अशोक प्रशासन की चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा किया। बाकी सब चीज इसमें क्या है? सही है। अभिलेख में प्रशासन की चर्चा है आर्थिक क्रियाकलाप की। दूसरा आपका है तो कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख उसकी पत्नी कारू बाकी का। कारू बाकी ने कहा लेके आ गया? अकबर कहाँ लाया? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लेके चला गया। इसका एक हरियाणा के टोपरा में भी अभिलेख था और एक उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अभिलेख था। उत्तर प्रदेश के मेरठ। ये टोपरा अभिलेख दिल्ली ले आया गया और मेरठ अभिलेख को भी कहां लाया गया? दिल्ली लाया गया। और ये किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? फिरोज शाह तुगलक। अशोक के छोटे अभिलेख में बिहार में तीन ठो मिले हैं। एक रामपुरवा। रामपुरवा कहां मिला है? बिहार के चंपारण में। और लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये चंपारण जिला में आता है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये तीनों का तीनों कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। कौन से? कलिंग अभिलेख। किसे? कलिंग अभिलेख से। कलिंग अभिलेख में इसने विश्व शांति की बात कही है। भले कलिंग की शांति उजाड़ दिया लेकिन संसार के लोग हमारे पुत्र के समान है। मैं उनकी देखभाल एक माँ के समान करता हूँ। जिस तरह माँ एक अच्छे धाय माँ को देकर अपने बच्चे को निश्चिंत हो जाती है, उसी तरह मैं समाज को राजूक नामक अधिकारी को देकर निश्चिंत हो गया। अब राजूक चाहे तो इसे क्या कर सकता है? अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अफगानिस्तान में सराय कुना अभिलेख है। अफगानिस्तान में कौन सा अभिलेख? सराय। अफगानिस्तान में जितना है ग्रीक और अरमाइड में। किसमें है? ग्रीक और सरायकुना। कहां पर है? लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा। टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया। कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया। पत्नी का अभिलेख अशोक की धम्म यात्रा किस चीज पर आधारित थी? स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म यात्रा किस पर नियंत्रित थी? स्वनियंत्रण। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पशुपालन तथा कारखाने थे। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन हॉस्टल सुविधा उसमें नहीं था। हॉस्टल सुविधा देने वाला नालंदा। देखिए तक्षशिला में भी हॉस्टल था लेकिन वो कैंपस के सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, निजी भूमि को भाग कहा जाता था। निजी भूमि को भाग, सरकारी भूमि सीता भूमि कहता। बिना वर्षा की अच्छी खेती को क्या कहा जाता? आदेक मृतक कहा जाता था। ये उपजाऊ खेत होती थी। क्या होती थी? उपजाऊ। कृषि कर अलग अलग था। देखिए टैक्स हमेशा अलग अलग रहा है किसी के भी टैक्स में सरकार। अब भारत में ही टैक्स दीजिए, देखिए एक समय था जब 2.5 लाख में टैक्स लगता था, कभी हुआ तो 5 लाख में हुआ, तो अलग अलग टैक्स का स्लैब रहा। लेकिन 1/4 1/6 यही ज्यादा चला था मौर्य काल में टैक्स में। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? बिक्री कर कितना था? 10% था, यानी 10वां भाग था बिक्री कर। भूमि माप करने वालों को राजू कहा जाता था। भूमि माप करने वाले क्या कहते हैं? राजू कर। धार्मिक कर को बलि कहते थे, जैसे धार्मिक चंदा कर ये सबको क्या कहा जाता है? बलि। धार्मिक कर को बलि। सरकारी भूमि चारागाह को क्या कहते थे? विदित कहता था। चारागाह को विदित कहते थे। सिक्का चांदी के सिक्का और उसमें कुछ मिला देते थे तो उसे कारसर्पण।
उसमें कई चीज मिला दिया जाता था तो कारसर्प शुद्ध चांदी का सिक्का पर कुछ मिला दिए तो कारसर्प जांच करेगा रुद्रदशक देगा रुद्रदशक सोने के सिक्के को स्वर्ण या निष्क स्वर्ण या निष्क स्वर्ण ही कहा जाता था सोने के सिक्के को स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा कहा जाता नहीं तो निष्क भी कहते थे स्वर्ण मुद्रा या निष्क चांदी का सिक्का पर सोने का सिक्का स्वर्ण नहीं तो निष्क चांदी के सिक्के में जब मिला देते थे कारसर पर्ण मुखस्तंभ में कितने चार तो इस समय एक और स्थापत्य कला अशोक स्तंभ में कितने शेर है चार है दिखेंगे कितने तीन ये अहिंसा का प्रतीक है मतलब कहा जाता है एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है ऐसा नहीं बहुत सारे रहते हैं सर समझ दीदारगढ़ इनकी कई सारी मूर्तियां मिली कहीं खड़े हुए कहीं बैठे हुए कहीं सिंहासन पे कहीं कुछ पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति तो उस समय की चित्रकला होती थी तब तो एक अजीब सा पत्थर को काट काट के एक मानव का क्या देना आकार देना ये एक स्थापत्य कला है अपने आप में वेदिका। अब इस वेदिका में एक गेट रहेगा क्या रहेगा द्वार और ये द्वार ऊंचा रहेगा बहुत ऊंचा द्वार यहाँ पर और इसमें इस स्टेप में कुछ कुछ बना रहेगा यहाँ पे नाम लिखा रहेगा स्तूप का इसे तोरण द्वार कहते हैं क्या कहते हैं तोरण तो द्वार को क्या कहेंगे तोरण क्या रहेगा तोरण। अब ये देखिएगा तोरण द्वार जो है ये आपको जान गांव का मुखिया को क्या कहा जाता था ग्रामीण गांव के मुखिया को ग्रामीण दस गांव के ऊपर गोप दस गांव के ऊपर गोप जिला का राजू कई जिलाओं को मिला देते थे तो 20 पति हो जाता था क्या हो जाता था 20। मौर्य काल में पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था मौर्य काल जो था उस समय मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी उसे उस समय विश्व के नगरों की रानी कहा जाता था नगरों की रानी। इस समय भवन जो थे वो लकड़ी के थे और आपको बताए थे आगे समझते हैं अशोक का जो उत्तराधिकारी था नाम था उसका कुणाल कुणाल जो था वो ठीक ठाक शासन किया लोगों को डर था कि भाई अशोके का बेटा है यहाँ पर उसका बेटा आया दशरथ समझ में आ गया कि नहीं कुणाल का बेटा ये भी कुछ खास अच्छा से शासन नहीं किया तो अशोक का बेटा कुणाल का अब ये लोग अच्छा से शासन नहीं किए लोग दशरथ को लगा कि ना भाई हमको भी देव नाम प्रिय दर्शी रखना चाहिए उसने भी देव नाम प्रिय दर्शी रख दिया इसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को नागार्जुन की गुफाएं दे दिया किसकी गुफाएं नागार्जुन और अशोक ने बराबर की पहाड़ी में चार गुफाएं सुदामा कर्ण चोपड़ा विश्व झोप से लास्ट में आया बृहद्रथ क्यों ना आया बृहद्रथ तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था इतना बड़ा लोल था जिसका कोई हद नहीं। दूसरा शिशु नाग नागवंश तीसरा नंदवंश चौथा मौर्य वंश पढ़ लिए पांचवा शुंगवंश देखिए शुंगवंश देखिए पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्रा का नहीं था पुष्यमित्र जो शुंग था वो मध्य प्रदेश के विदिशा का था मध्य प्रदेश के विदिशा यानी ओरिजिनली वो मगध का नहीं था अतः इसे गैर क्षेत्रीय शासन कहते हैं क्षेत्रीय राजवंश कौन था शुंगवंश शुंगवंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग किस वंश को मारकर बना था मौर्य पुष्यमित्र सुंग जाति से ब्राह्मण था और इसे सबसे ज्यादा नफरत था तो बौद्ध धर्म से इसने बौद्ध धर्म के हजारों स्तूप तोड़वा दिया इसने तहस नहस कर दिया बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा क्षति पुष्यमित्र सुंग और बंगाल का शासक शशांक ने पहुंचाया था सबसे ज्यादा तुरवा के रद्द कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं तो पुष्यमित्र सुंग ने कितने असमय यज्ञ कर दो और इसके यज्ञ को पातंजलि ने किया था कौन सा पातंजलि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में कौन से पुरोहित थे पतंजलि कौन थे पतंजलि इसके समय दो को विदेशी आक्रमण कर दिया दोनों को ही दौरा दौरा मारा क्योंकि वो सब जब युद्ध की तैयारी कर रहा था सब मीनांडर क्या आया मीनांडर कौन आया मीनांडर जब आया तो इसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया मीनांडर को किसने दिया नागसेन कौन से धर्म की शिक्षा दी अब बना दिया क्या बौद्ध इसकी चर्चा मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में किसमें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में नागसेन और मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा है सेम जैसे कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच वार्तालाप की चर्चा नागसेन और मिलिंद अब इसी बीच में एक विदेशी आया हेलियोडोटस
हेलियोडोटस, हेलियोडोटस। अब इसको इसको भी सोचा सा बौद्ध धर्म वाला अपनाने के लिए, ये चलाया विदिशा में। हेलियोडोटस कहाँ चलाया? विदिशा। और विदिशा हेडक्वार्टर था किसका? सुंग वंश का। पाटलिपुत्रा से इसने उठा के कहाँ लेके चला गया था? विदिशा। और कौन चलाया? विदिशा में हेलियोडोटस। अब बेचारा बौद्ध धर्म वाला गलती से भी नहीं गया सब इसको समझाने के लिए, काहे नहीं गया? पूछ सुन। तो इसको हिंदू धर्म की शिक्षा दी गई, भागवत धर्म की। कौन से धर्म की? भागवत। तो हेलियोडोटस ने कौन सा धर्म अपना लिया? भागवत। इसकी जानकारी मिलती है गरुड़ ध्वज अभिलेख से। किसे? गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख। बताइए इसकी जानकारी किससे मिलेगी? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद। और इसकी जानकारी मिलती है गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज। तो किताब है। मित्र सुंग के समय कितने अश्वमेध यज्ञ, कितने यमन आक्रमण, कितने विदेशी, मिलिंद पन्हो में किसकी चर्चा? नागसेन और मिनांडर। मिनांडर ने कौन से धर्म को अपना? और हेलियोडोटस ने किस अभिलेख से जानकारी? गरुण। पुष्यमित्र सुंग का बेटा क्या नाम था? अग्निमित्र। बहुत ही योग्य था, लेकिन क्या बताया जाए यहाँ पे। हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये, और इसी में निकल गए कालिदास। कालिदास तो खोजते थे ऐसा ऐसा चक्कर, और कालिदास बहुत विद्वान थे। पूरा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे? वो बेचारा चुपे चोरी छुपे ये सब का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कालिदास उठे थे किताबे में लिख दिए मालविका अग्निमित्र। किताबे हो गया, क्या नाम हो गया? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र में किसकी प्रेम प्रसंग की चर्चा? मालविका और अग्निमित्र की चर्चा। धानी पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र, इसका तो खूब चर्चा। अब मगर धीरे धीरे क्या होने लगा था? टूटने लगा था। मगर धीरे धीरे क्या हो गया था? टूटने। या इस एरिया में अपनी क्या बनाया था? राजधानी। पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र, इसका तो खूब चर्चा है। किस पुस्तक में? मालविका अग्नि, मालविका अग्निमित्र पुस्तक के लेखक कालिदास हैं इस पुस्तक के लेखक। इसके समय दो दो यवन आक्रमणकारी यानी इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था, दो दो यवन आक्रमण। दोनों में कौन जीत गया? पुष्यमित्र सुंग अपने बेटा अग्निमित्र से युद्ध करके हरवा दिया था। इसने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराया था? दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसके समय कितने यवन आक्रमण? दो। पहले यवन आक्रमण कहते थे, पहला मिनांडर, तो दूसरा था डेमेट्रियस, और एक तो कौन किया था? मिनांडर। किसने किया? मिनांडर। मिनांडर मिलिंद पन्हो पुस्तक में किस धर्म की जानकारी? बौद्ध धर्म। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षुक किसकी चर्चा? नागसेन। किसी चर्चा है? नाग के शासक महापदम नंद, नंद वंश के शासक महापद। उसका बेटा धनानंद ने यहाँ नहर बनवाया था। धनानंद के बाद अगला वंश आया मौर्य वंश, और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इधर कुछ भी नहीं किया। बिंदुसार, वो तो लोल था सुझा, वो बिंदुसार भी कुछ नहीं किया। लेकिन अशोक ने किसे मिला लिया? कलिंग को मिला लिया, कलिंग को मिला लिया। लेकिन अशोक के मौर्य वंश के खत्म होने के बाद दूसरा वंश कौन आया? कौन वंश? सुंग। सुंग वंश के समय मौर्य ये बहुत ही कमजोर हो चुका था। कौन कमजोर हो चुका था? मगध। मगध कमजोर हो चुका था। और कलिंग में उस समय चेर वंश का शासन, चेदी वंश का शासन था। चेर वंश तो नीचे, कलिंग में कौन से वंश का शासन? चेदी वंश का शासक था। ये बहुत ही छोटा वंश है, कलिंग में चेदी वंश का शासक था। और इन लोगों को बदला लेने की होड़ मची हुई थी कि हम क्या लेंगे भाई? बदला लेंगे। हमें क्या लेना है? बदला लेना है। किस चीज का? कलिंग। कौन सा अभिलेख? अरे कम से कम मोटका मोटका तो इसको याद रखो लोग। हाथी गुफा अभिलेख नाम से मैच कर रहा है आप लोग से। जितना भैंस टाइप का है सब सब याद रख कर दिया। किस बार? मगध। अब मगध के शासक सुंग वंश के शासन चल रहा था, हरा दिया। और हराने के बाद मगध के महल में घुसा और कहा कि आज से ससुराल 200 साल पहले एक राजा आया था यहाँ से, महापदम नंद।
हम यहाँ से मूर्ति चुरा के ले गया था। कहाँ है मूर्ति? वो वापस मूर्ति लेके चल गया। जो था ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर आगे बढ़ जाए ना। शुंग वंश के समय कई सारी किताबें लिखी गई थी। अश्वमेध यज्ञ कितनी कराए गए थे? दो। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। इसी समय जातक ग्रंथ की रचना की गई। जातक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जात। पूरी जीवनी ललित विस्तार। पूरी जीवनी ललित विस्तार। 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। सब बता दिए थे आप लोग? नहीं बताए थे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की भी रचना शुंग वंश। पाणिनी ने लिखा था अष्टाध्यायी को। पतंजलि तो इसी समय थे। दो दो अश्वमेध किसने कराया था? पतंजलि। तो पतंजलि की महाभास किसके समय रचना हुई? और इसी समय ऋषि जो थे मनु, ऋषि का नाम क्या था? मनु। मनु ऋषि ने क्या लिखा था? मनुस्मृति में इसकी बहुत विवादित पुस्तक रही है। इसमें दलितों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। बहुत अछूत नजर से देखा गया और महिलाओं को भी बहुत ऊंचा। महाभास की रचना पतंजलि ने किया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र। उसके बाद कौन सा वंश? कर्णवंश किसी काम का नहीं है। संस्थापक वासुदेव। बस इस कर्णव वंश के समय से भारत में ना ईसाई धर्म का प्रचार चालू हुआ था, सेंट थॉमस के समय। और कोई खास विशेषता नहीं है। देखिएगा, ईसाई धर्म के बहुत सारे प्रचारक भारत में आए और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाया था। आगे कौन सा वंश? सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक। कौन थे इसके संस्थापक? सीमुक। सातवाहन के संस्थापक सीमुक थे। सातवाहन जो थी ये महाराष्ट्र में इसकी राजधानी थी, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास। समझ में आ गया कि नहीं? इनकी महाराष्ट्र में, हालांकि आंध्र प्रदेश के पास में थे, गोदावरी नदी के तट पर थे। इन लोग का जो जमीन थी बहुत ही उपजाऊ थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुक। इस वंश के संस्थापक, इस वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। क्या नाम था? हाल। दिमाग इसके पास बहुत ही ज्यादा था। जबकि इस वंश का सबसे योद्धा शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सबसे योद्धा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। बताइए, सातवाहन के संस्थापक सीमुक। हमला करने के लिए नाम था उसका नहपान। अब देखिए, चलाया यहाँ हमला। ये किसका एरिया था? किसका था? ये सातवाहन। इसके पास यहाँ शक शासक थे। सब दू गो शक शासक थे। सब एक ठो नासिक और इस एरिया का था उज्जैन का, एक यहाँ थे। सब तो कई पांच टुकड़ों में शक शासक थे। सब इसके बाद जो आएंगे सब शक शासक होंगे, वो पांच टुकड़ों में होंगे सब। इसलिए अभी हम केवल आपको शक शासक बोल रहे हैं। आप समझ जाइएगा, जब हम आपको हेडिंग डालेंगे शक शासक आया और हमला कर दिया। किसके ऊपर? गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर। अब इसे चुरा हमला कर दिया आके गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने कटाहा था। कटाहा समझते हैं आप लोग? तो समझती हूँ। एकदम करकरा था, एकदम हमेशा अझुराने के लिए सोचते रहता था। और उसके आगे चलाया कौन? शक शासक नहपान। कौन आ गया? नहपान आ गया। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी इतना मार मारा ना इनको, नहपान को पूरा लसार लसार मारा था इनको। इसकी जानकारी नासिक के पास स्थित जोगल थम्बी अभिलेख से जगह से मिलती है। कैसे पता चलता है? तो जोगल थम्बी नामक जगह पर एक सिक्का पाया गया। उस सिक्के पर नहपान को विजेता के रूप में, गौतमी पुत्र सातकर्णी को विजेता के रूप में, और नीचे बैठा हुआ कौन? नहपान। इसका मतलब नहपान क्या हो गया था? हार गया। दामन ने हमला, रुद्र दामन ने कहा हमला किया? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुम। अभी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। पिछली बार तो अब्बा को हराए थे, इस बार तुमको भी हराएंगे। उस बार रुद्र दामन तैयारी करके आया था और कचर के थूर दिए किसको? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुम कचर दिए इनको बढ़िया से। यहाँ पर अब पूरा बढ़िया से कचर दिया रुद्र दामन। बाद में दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया।
पहले ये सब खूब होता था, मार करने आया ब्याह हो गया। बहुत ही योग्य शासक था। और रुद्रदामन ने यहाँ पर एक सुदर्शन झील और सुदर्शन झील बनवाया था रुद्रदामन, और उसने कहा था कि यहाँ से 700-800 साल पहले यहाँ पर मगध का शासक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, यहाँ सरकारी खर्च से सुदर्शन झील बनवाए, मैं रुद्रदामन इसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? तो समाप्त हो गया। सातवाहन वंश से क्वेश्चन कुछ खास पूछता है तो इसको आपको याद रहना चाहिए। पहला कि सातवाहन वंश जो था इसकी विशेषता समझते हैं, सातवाहन की या मातृसत्तात्मक था, क्या था? मातृसत्तात्मक था, पेट्रियोटिक नहीं था, मातृसत्तात्मक। यानी अगर किसी से पूछिएगा कि तुम किसके लड़का हो तो पिता का नाम नहीं बताता था, माता का नाम बताता, और अगर उनकी माता नहीं है ना तो स्वर्गिनी लगा के बताता था लेकिन माता का ही नाम बताएगा, माता का नाम नहीं। तो ये सीसा का सिक्का, सातवाहन के समय सीसा का सिक्का का प्रचलन था। इन लोगों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, क्या दिया? भूमि दान। तो ब्राह्मणों को किस जाति को देते थे? ब्राह्मण को, क्योंकि ये लोग ना लास्ट के, देखिए हरियंग वंश तो नॉर्मल रहा था, शिशुनाग वंश, नंद वंश दलित था, दलित वंश था महापद्मनंद, मौर्य वंश के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती है, सब अलग अलग धर्म अपनाया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, और उसका बेटा बिंदुसार आजीवक सम, और उसका बेटा अशोक बौद्ध धर्म। तो ये धर्म में कौन सी कहेगा, सब अलग अलग अपनाया था। इसके बाद जितने आए सब ब्राह्मण थे, शुंग वंश ब्राह्मण, कर्ण ब्राह्मण, सातवाहन ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को सर्व भूमिदान देना किसने चालू किया? सातवाहन के बाद आए थे सब गुप्त शासक, यहाँ से 200 साल बाद कौन आए थे सब गुप्त शासक। तो गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा दान दिया, लेकिन दान देने का शुरुआत किसने किया? दान देने की शुरुआत सात ब्राह्मणों को, भूदान देने की व्यवस्था सात, सर्वाधिक भूमिदान गुप्त का, भूदान देना चालू किसने किया? के बदले भूमि दिया, जिसे सामंती व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? सामंत कहा गया, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था वेतन के बदले क्या दिया जाता था? जमीन। अब यही गड़बड़ होता थी, लेकिन इसको सुधारा भी तो नहीं जा सकता था। यही दिल्ली सल्तनत में इकता व्यवस्था कहलाया। क्या कहलाया? इकता। क्या कहलाया? इकता। लेकिन इस दोनों में राजा की जमीन क्या होती जाती थी? कम होती जाती। गुप्तर 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध। मगध पर कुल कितने वंशों ने शासन, कितने वंशों ने? 7 वंशों ने शासन किया। ट्रिक क्या है इसका? मातृसत्तात्मक, शीशे का सिक्का, सामंती व्यवस्था, सबसे खतरनाक शासक सातवाहन का, सबसे खतरनाक गौतमी पुत्र शासक। इसमें अशोक तो था सबसे महान। तो देखिए मगध इस, लेकिन बताइए इंडो ग्रीक शुंग वंश क्या कुछ अच्छा काम नहीं किया? तो बस वहीं पे पढ़ा के छोड़ दिए थे। इंडो ग्रीक और कौन आए थे सर? शक, पहलव और कुषाण। तो देखिए मगध इस, और इसमें अशोक तो था सबसे महत्व, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी लोग तो शासन किए बस। इसके पहले सिकंदर और ने आक्रमण किया था, और डेरियस ने आक्रमण किया। इसके बाद कितने आक्रमण किए? 4। उसको हम अलग से इसलिए पढ़ाएं कि ये सीक्वेंस बिगाड़ देते सब, ये सीक्वेंस क्या करते सब। हालांकि देखिए इंडो ग्रीक पढ़ा दिए आपको, कितने चरण में आए थे सर? 2। किस पर्वत के पास? हिंदुकुश। किस वंश के समय? शुंग वंश। किसके समय? शुंग वंश के समय आक्रमण किए थे सब, शुंग वंश के समय आक्रमण किए थे। जीत कौन गया था? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। तो ये तो कोनो काम के नहीं रह गए लोग, बताइए हिंद यूनानी किसी काम के रहे सब? यूनानी, यूनान वाले ज्योतिष अपनी जगह पे है, बट 100% किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना थे। तो ज्योतिष की सबसे गहन जानकारी किसको था? हिंद यूनान। किसे था? हिंद। गणित ज्योतिष इस सब चालू किसने किया था? हिंद यूनान। सोना का सिक्का, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का हिंद, देखिए अलग अलग था। सोना का सिक्का चालू किसने किया था? यूनानियन। किसने? यूनानी। और वो थोड़ा सा बस गए थे सब भारत में, इसलिए आप उसे हिंद यूनानी कह सकते हैं। आप यूनानी कहिए या हिंद यूनानी कहिए, इसे हम साइड में पढ़ा रहे हैं, बट आगे बढ़े। तो हिंद यूनानी आए थे सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन ऐसा शक था? अशोक जाके हजूरा गए सब किससे? सातवाहन से।
बड़ी मार मारा था नापान को गौतमी पुत्र सातकर्णी, लेकिन उसी में आया रुद्र दामन, कहा गया इसने आक्रमण समय देख के किया। हम हमेशा करें समय का बहुत महत्व है, अभी आपको कहीं आक्रमण नहीं करना है। अब उसके बाद आया था कौन, पहलव, कौन है पहलव, और इसके बाद कौन है कुषाण, पहलव के बाद कौन है कुषाण शासक है, कौन सा है कुषाण। तो हिंद यूनानी सग पहलव कुषाण, तो बताइए ये सातवान ये वाला आप सात समझ में आ ही गया, इसमें हिंद यूनानी पढ़ी लिए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आपको सग के बारे में मिल ही गया है। सग तरनाक था रुद्रदम, कौन था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदम, पहलव किसी काम के नहीं थे सब, यहाँ कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक सक संवत किसने बनाया कनिष्क, और ये भारत के नहीं थे, सबके सब है क्या विदेशी है, समझ में गया कि नहीं क्या। नवे नहीं सुना है कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कटफीसस, उसके बाद आया विंग कटफीसस, अब फिर आया कनिष्क, तो कुषाण वंश में सबसे खतरनाक कनिष्क का सिक्का चालू किया, हाँ हिंद अशुद्ध सोना का सिक्का, शुद्ध सोना का सिक्का अशुद्ध सिक्का गुप्त, इसके बाद कौन आएगा गुप्त, कौन आएंगे गुप्त, लगभग शीशे की थी बता दिए थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी शासक, गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक के सक शासक नापान को पराजित कर दिया, हालांकि सक शासक में सबसे शक्तिशाली था रुद्रदाम, उसने वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम शासक थे, समझ में आ गया कि नहीं, बता दिए थे। इंडो ग्रीक कितने चरणों में, दो, इंडो ग्रीक हिंदुकुश पर्वत के पास से आए थे, उस क्षेत्र को बैक्टीरिया कहा जाता था, क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ लिख देते इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक इसे क्या कहा गया बैक्टीरिया कहा गया। तो भारत में कितने चरण में है, दो चरण, किस वंश के समय, सुंग वंश के, ये कहाँ कौन से क्षेत्र में थे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्षेत्र के थे, कौन से पर्वत के पास, हिंदू कुश पर्वत के पास थे, हिंदू कुश पर्वत, ऐसे क्या हो गया सक शासक, सक शासक, देखिए सक शासक जो थे सब, इन्हें इनके राजा को क्षत्रक कहा जाता, क्या कहा, क्षत्रक, क्षत्रप, क्या कहा जाता है क्षत्रप, तो सक राजाओं को राजा न करके क्या कहा जाता है क्षेत्र, जैसे केरल के राजा को राजा न करके जेमोरीन, दिल्ली सल्तनत के राजा को राजा न करके सुल्तान, मुगलों के राजा को राजा न करके बादशाह, क्या कहा जाता, तो इसके राजाओं को क्या कहा जाता था क्षेत्र। ये मध्य एशिया से आए थे और इनको लात मार के भगाया था यूची कबीला वालों ने, किसने भगाया था यूची, यूची यूची वंश वालों ने इन्हें मार के भगाया था, कहां से, मध्य एशिया से, कहां से भगाए थे, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से इन्हें मर के भगाया था यूची कबीला वालों ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यूची कबीला वालों ने इन्हें मार के भगा दिया। तो ये भारत में आए और पांच जगहों पे बसे, सबसे पहले काबुल के कंधार में, कहां पे बसे कंधार में, और एक पाकिस्तान के तक्षशिला में, कहां पे तक्षशिला, दुनिया की पहला यूनिवर्सिटी राजा तक्ष ने तक्षशिला में बनवाया था, उसके बाद ये आके मथुरा में बसे, कहां बसे मथुरा में, उसके बाद उज्जैन, उज्जैन में, और उज्जैन के बाद ये बसे थे नासिक में, कहां पे नासिक। तो सक शासक कितने क्षेत्र में बसे, पांच, इनके राजाओं को मुख्य रूप से क्या कहा, क्षेत्र, क्या कहा गया क्षेत्र, क्या कहा गया क्षेत्र, कंधार कहाँ है अफगानिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान, मथुरा यूपी में, मथुरा कहाँ है यूपी में, उज्जैन मधुबन, नासिक महाराष्ट्र, नासिक, अब यहाँ देखिए ध्यान कहलाता है जहाँ वो क्या कहलाता है मालवा, मालवा के शासक ने मथुरा के शासक को, ये सॉरी सख शासकों को पराजित कर दिया, कहाँ के सख शासक को पराजित किया, मथुरा के शासक, तो मालवा के शासक मथुरा के सख शासकों को क्या कर दिया पराजित कर दिया, और पराजित करके उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, कौन सी उपाधि, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिया। अब ये विक्रमादित्य की उपाधि इतनी फेमस हुई कि 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की क्या धारण कर, कौन ईसा पूर्व, देखिए अब ईसा मसीह के, अब हम लोग बीसी वाला समय अब छोड़ते जा रहे हैं, अब सीधा सीधा आएगा, क्या आएगा सीधा सीधा, 57 ईसा पूर्व में कौन सी उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, और एक कैलेंडर चालू कर दिया, कहा कि उसमें तारीख अब यहां से जोड़ा जाएगा विक्रम संवत,
कौन सा संवत? विक्रम संवत। संवत मतलब कैलेंडर होता है, विक्रम संवत धारण कर लिया। नेपाल का आज भी ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है? विक्रम से। नासिक, नासिक के शक शासक को सातवाहन के शासक किसने हरा दिया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था कि नहीं हरा दिया था बताइए। महाराष्ट्र में जोगल थम्बी नामक सिक्कों से इसकी जानकारी मिली है कि नहीं मिले? जोगल थम्बी नामक जगह से इसकी जानकारी में कंधार। पाकिस्तान में तक्षशिला, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है हमरे, आप बचपे न किया तो हम कौन चीज पढ़ेंगे, और भी कोई खास जानकारी थे। आई शख सा घूमने आया था सब, नाम था उसका यूची वाला। यूची के पांच हिस्सा था, यूची का कितना हिस्सा था? पांच। जहां तहां जिसको मिल जाते थे मार देता था उसी में। उसी में सबसे खतरनाक था हुंड शासक। यूची में सबसे खतरनाक कौन था? हुंड। आप हुंड वैसे ही आता था, हुंड आक्रमण करी मार काट के रद्द करके चला जाता था सब, किसी को कोई दिक्कत। तो यूची का बीला वाले मारा। अब बच गया कौन सा शक शासक में? कौन बच गया? उज्जैन। उज्जैन का शक शासक जब यहां शासन कर रहा था तो इसी दौरान उसे गुजरात में कौन सा झील मिला? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण उज्जैन के शक शासक रुद्र दामन ने किया। रुद्र दामन कौन किया? रुद्र दामन। उज्जैन का शक शासक रुद्र दामन ने किया। रुद्र दामन ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? सातवाहन के ऊपर। किसके ऊपर? सातवाहन। और यहाँ वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी को पराजित कर दिया। वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी को पराजित कर दिया और पराजित किया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, धीरे धीरे वंश आगे गया। और रुद्र दामन जो था, इसके बाद रुद्र सिंह चतुर्थ तृतीय जो था, रुद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ, शक वंश का, क्योंकि शकों को पराजित कर दिया था गुप्त शासक ने। किसने पराजित कर दिया? गुप्त। गुप्त शासक ने शक का अंत कर दिया। इसका मतलब आगे एक वंश आने वाला है, गुप्त वंश। लेकिन गुप्त वंश से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पहलव, पहलव के बाद कुषाण। शक शासकों को क्या कहा जाता था? क्षत्रप। शक कहां से आए थे? मध्य से। कौन कबीला वाले मारे थे सर? यूची। यहां पे आए थे सर, और यहां पे शकों का अंत किसने कर दिया? गुप्त शासक। किसने? गुप्त। जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे तब ये बात बताएंगे कि गुप्तों के समय से ही भारत में पहली बार क्या देखने को मिलता है? छठ का त्योहार, और उसे सबसे ज्यादा अपना लिया मगध वालों ने। पहलव, इसके बाद कुषाण आए सब। कौन आया? कुषाण शासक। कौन शासक आए सब? कुषाण। लास्ट वंश था, विदेशी आक्रमण के चार था ना, इसमें कौन आया? कुषाण शासक। कौन आया? कुषाण, कुषाण शासक। ये यूची कबीला जो था ना, यूची कबीला कई गो भाग में था? पांच। इसी में एगो था हुंड, इसी में से एगो था कुषाण। असल में डकैत था सभी सब। समझा ही ना गया, बहुत खतरनाक था सभी। कुषाण वंश का पहला शासक था कुडुल कडफीसस। क्या है? कुडुल कडफीसस। कुडुल कडफीसस कुषाण वंश का शासक, कुडुल कडफीसस। क्या था? कुडुल कडफीसस। तक्षशिला से भारत में प्रवेश किया, और उधर मिल गए सब बौद्ध धर्म वाले। इसको सिखा दिया सब बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में है हिंसा नहीं करना चाहिए, प्राणी को जियो और जीने दो, ये वो बताइए। ऐसा लुटेरा को इंसान बना दिया। ये तो असल में सब खतरनाक था, तो जो ने क्षेत्र को प्लान बनाता था। तो अनाज कडफीसस ने कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये हैंग क्यों कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो मिट जा रहा है। सस भीम कडफीसस ये आया, तो इसको वहां पे मिल गए लोग कश्मीर के पास जाते हुए, भोले बाबा के भक्त सब। हर हर महादेव आ गया तो सावन का महीना, तो घेर लिया सब इसको, भोले बाबा का भक्त। अब भोले बाबा दो आदमी के भक्त ना आपको कहीं पे भी विस्तार करने में सहायता होंगे, एक कृष्ण भगवान के, एक भोले बाबा के, क्योंकि ये लोग काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, संगीत भी है, गीत भी है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, सबसे प्रतापी कनिष्क। इसने कौन से धर्म को अपना लिया? कौन से धर्म को? बौद्ध। कनिष्क ने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। और आपको पता ही है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। कनिष्क ने क्या कराया? राजाभिषेक। ईसा पूर्व की कहानियां खत्म।
बीसी लगा होता था ईसा के जन्म से पहले, तो ईसा के जन्म से पहले वाले में बीसी ईसा पूर्व और ये आ गया ईस्वी। 78 ईस्वी में इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करा। जिस समय भारत में कनिष्क का शासन चल रहा था उस समय तक शक शासक भी जिंदा थे, कनिष्क का भी शासन चल रहा था यानी कुषाण वंश भी चल रहा था और पैरेलल चल रहा था शक शक, दोनों साथ चल रहा था क्योंकि दोनों विदेशी थे, दोनों क्या थे विदेश, जहां मौका मिल रहा है दोनों वहां वहां कब्जिया रहे थे सर, दोनों का दोनों क्या कर रहे थे सर, कब्जा कर रहे थे सर। समझा गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो कनिष्क कुषाण और शक दोनों क्या चल रहे थे पैरेलल, आई तो लोल था पहला ये भी पैरेलल चल रहा था, इसके ऊपर जीने खाने से कौन सा संबंध शक संबंध। अब देखिए ये तो दिक्कत हो गया, कैलेंडर लाया कुषाण शासक कनिष्क नाम पड़ गया शक सम, ये कैसे हो सकता है। देखिए शक संवत कुषाण शासकों को याद नहीं हो पाता था, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, समझा गया ना। अब आषाढ़ खत्म होने वाला है सावन था। और ये कैलेंडर काफी बेहतरीन था तो शक शासकों ने ज्यादा यूज करने लगे सर। कैलेंडर को लाया कौन, कनिष्क, लेकिन इसी के कुषाण शासकों को समझ में नहीं आता था, उनको समझ में नहीं आया तो ज्यादा कौन यूज करने लगा शक, तो इतना ज्यादा यूज करने लगे सब कि इतिहासकारों को जब वो इतिहास पढ़ना चालू किए तो शकों के बारे में जब इतिहास पढ़ते थे तो वहां पे शक कैलेंडर का तारीख रहता था, जो भी तारीख वगैरह मिला है वो कौन सा मिला है, मैंने कनिष्क वाले कैलेंडर का नाम मिला है, तो कैलेंडर बनाया कनिष्क और उपयोग सबसे ज्यादा कौन किया, तो क्या नाम हो गया शक सम। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे बढ़े। तो शक संवत कब आया था बाबू, 78 ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रम, लेकिन पूरी दुनिया में अगर फॉलो किया गया तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को, किस कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर, पोप ग्रेगोरी ने इसे चालू किया था, किसने चालू किया पोप ग्रेगोरी, इसमें दो राजाओं के भी नाम है, अगस्टस के नाम पर अगस्त, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, अभी किस में चल रहा है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के नाम पर क्या है जुलाई। ग्रेगोरियन कैलेंडर सन पर आधारित है, किस पर आधारित है सन, और बाकी ये किस पर आधारित है चंद्रमा पर। अब आप बताइए चंद्रमा हमारी पृथ्वी को कोई प्रभाव नहीं डालता है, दिन किसके हिसाब से सूर्य के हिसाब, साल किसके 78 ईस्वी में, ये भी किस पर आधारित था मून पर आधारित, 78 ईस्वी में ये भी किस पर आधारित था मून पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बनने से पहले ही बन चुका था विक्रम संवत, अतः विक्रम संवत में अगर डेट निकालना है तो 57 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 57 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया। जैसे हमारा संविधान जब बना था तो हमारे देश में भी पहले विक्रम संवत ही लागू किया जाता था, तो संविधान का अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आज मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 जबकि संविधान लागू हुआ था बना था 1949 में, 26 नवंबर 1949 इसी दिन बन के कंप्लीट हो गया, और कह रहा है कि 2006 विक्रमी। तो जब भी विक्रम संवत को आपको ग्रेगोरियन में लाना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 57 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 57 9 1 10 49 या 1949 और विक्रम संवत के अनुसार, तो जब भी आपको विक्रम संवत को कन्वर्ट, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए अगर शक संवत को क्या करना है निकालना है ग्रेगोरियन में तो इसे पीछे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, क्या चल रहा है 2022 अगर शक संवत में निकालना है तो माइनस कीजिए, कितना 78 माइनस कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा वाली 57 ईसा पूर्व आया विक्रम संवत और 78 ईस्वी में आया शक संवत, 57 उधर, तो दोनों कैलेंडर में कितने साल का अंतर 135 साल, कितने साल का 135 साल का अंतर है, तो दोनों कैलेंडर में अंतर कितने साल का है 100। बौद्ध धर्म अपना लिए तो अशोक समझियो हमको, आई विल नेवर सोल्ड माई स्वॉर्ड,
अपना तलवार कभी नहीं बेचेंगे। हमको कौन चीज समझते, बस द्वितीय अशोक कहा जाता है थोड़े ना हम मार के रद्द कर दिया अशोक की वही गलती थी। समझ में आ गया, इन्होंने केवल हथियार छोड़े हैं, इसके अंदर तो वही यूची वंश वालों का डीएनए था, मार धार में तो एक नंबर था, मार मारा बड़ी भयानक चीन वालों को का। इसकी पत्नी बोली रेशम चाहिए तो मांगा चीन वालों से, नहीं दिया, चाय चुई किया सब, आगे रुपतरा बताता है कि नहीं बेचेंगे। हमको कौन चीज समझते, बस द्वितीय अशोक कहा जाता है थोड़े ना हम बन के रहे। या अगर आप चाहते हैं कोई आपसे युद्ध ना करे तो उसकी सबसे बेस्ट रूस जाइए, पुतिन से तनी मारी। कनिष्क जो था बड़ी मरखा था, कनिष्क बहुत मरखा था और ये पहली सदी तक आ चुका था, मरखा बहुत था, इसने पटना पर आक्रमण कर दिया। उस समय पटना का नाम तो पाटलिपुत्र होगा, तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें महात्मा बुद्ध क्या मांगते थे, भिक्षा। अब सोचिए जिस पात्र में महात्मा गांधी स्वयं, महात्मा बुद्ध स्वयं भिक्षा मांगते थे, वो कितना पवित्र रहा होगा। महात्मा बुद्ध की भिक्षा पात्र लेके चला गया। और पटना में सबसे बड़ा बैच चलता था उस समय अश्वघोष का, उस समय मुसल्लापुर हाट के सबसे बड़का टीचर कौन थे, अश्वघोष। जैसे अभी कैसे बैच चल रहा है भरा हुआ, आया देखा कि बाप रे कौन मास्टर है, पूरा बैच भरा है, दस दस गो हॉल है, उठा ले गया किसको, अश्वघोष। बेचारा उनके बाल बच्चा चिल्लाते रह गए उधर से, अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष बहुत ही विद्वान थे। अश्वघोष को कहां लेके चला गया, अपने यहां लेके चल गया। अश्वघोष को कहां लेके चल गया, अपने यहां लेके चला गया। हालांकि यह विद्वानों को रखता था, बहुत इसे शौक था। इसके दरबार में चरक नामक व्यक्ति रहते थे, पार्स रहते थे, कौन रहते थे, पार्स, चरक, चरक। इनके नागार्जुन, नागार्जुन अश्वघोष को तो ले गया था, वसुमित्र उसके पास रहते थे, वसुमित्र, ये सब उसके दरबारी कवि थे। अश्वघोष को उठा ले गया, अश्वघोष, अश्वघोष को लेकर चला गया। ये सब विद्वान थे। चरक की पुस्तक का नाम है चरक संज्ञ, नागार्जुन की पुस्तक का नाम है माध्यमिका सूत्र, अश्वघोष की पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। सोचिए इतने बड़के बड़के लोग इसके दरबार में रहते थे, पार्श्व, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, याद रहेगा ना, ये याद रखिएगा। ये कौन कर रहा है, देखिएगा सर आपको जाए बताइए, नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या, माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र, चरक संहिता और बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसकी पुस्तक है, अश्व, बुद्ध चरित अश्वघोष की पुस्तक है, याद रहेगा ना। अश्वघोष को कहां से उठा के ले गया था, अश्वघोष को कहां से उठा के ले गया था, इसकी राजधानी पेशावर थी, कहां थी, पेशावर। अभी कहां है, पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है पेशावर, यहाँ पे लाहौर है और यहाँ पे क्या है, पेशावर। तो इसकी राजधानी क्या थी, पेशावर, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, मथुरा। इसके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, या चौथी बौद्ध संगीति एकमात्र ऐसी संगीति थी जिसमें अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वसुमित्र, लेकिन उपाध्यक्ष अश्वघोष। हालांकि पूरी जनता किसे अध्यक्ष बनाना चाहती थी, अश्वघोष, लेकिन अश्वघोष जो थे वो पटना के थे, बिहारी, और इनको राज्यों में नेचुरल रिसोर्स है। तो बताइए यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति, चौथी, चौथी बौद्ध संगीति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यही वह बौद्ध संगीति था जिसमें बौद्ध धर्म कितने भाग में टूट गया, दो भाग, याद है कि नहीं है? तुम लोग बता लो इधर से कौन कौन, कौन कौन, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान था। हीनयान महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हूबहू मानता था, जबकि महायान हल्का सा मॉडिफाई करके मानता था। तो कनिष्क कौन से धर्म को मान, महायान, कनिष्क महायान शाखा को मानता था। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता, आइंस्टीन, भारत का शेक्सपियर नहीं, वो तो कालिदास हो गया, भारत का आइंस्टीन। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया, किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था, किसके समय, कनिष्क के समय दिया, कनिष्क के समय दिया था। कनिष्क के समय चाइना बहुत ज्यादा व्यापार करता था, तो इसने किस मार्ग पर अधिकार कर लिया था,
रेशम मार्ग पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। हालांकि इसने इसके समय दो प्रमुख बंदरगाह थे, एक बंगाल में और एक महाराष्ट्र में। तो बंगाल और महाराष्ट्र में इसके समय दो प्रमुख बंदरगाह थे, ताम्रलिप बंदरगाह बंगाल का, सोपारा बंदरगाह महाराष्ट्र का। ताम्रलिप बंदरगाह कहाँ गए, सोपारा बंदरगाह, सोपारा कहाँ का था, महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह था। कनिष्क के समय ही एक अरबी नाविक हिप्पालस ने मानसून का खोज किया था, किसकी खोज किया था, मानसून की खोज किया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर क्या कर लिया था, अधिकार। चाइना का रेशम मार्ग थल से भी होके जाता था, जैसे भारत के ऊपर से भी जाता था और भारत के नीचे से भी जाता था, जैसे ये हो गया तो यहाँ से रेशम मार्ग। टैक्स चाहिए, टैक्स। अब जैसे पटना का कोई पीडीएफ नहीं मिला आप लोग, ओ माई गॉड, कल मिलेगा पीडीएफ। तब क्वेश्चन बताते चलेंगे। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक, कनिष्क की राजधानी पेशा, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया गया था। पार्स किसके दरबार में रहते थे। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी। महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र कहां से ले गया था। ये अश्वघोष की पुस्तक का नाम। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षिकता का सिद्धांत नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन। कनिष्क किस शाखा को मानता था। महायान शाखा को मानता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का। कुषाण शासक कनिष्क। सर्वाधिक, ये तो बहुत पहले न्यूमिस्मेटिक जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे। कनिष्क सोने की प्राप्ति हिंदुकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ी से होती थी। किसे होती थी, अल्ताई। कनिष्क को सोना हिंदुकुश पर्वत के किस पहाड़ी से, अल्ताई। हिंदुकुश पर्वत अभी किस देश में। क्या कनिष्क का समुद्र से व्यापार होता था। होता था। कलकत्ता के ताम्रलिप बंदरगाह और महाराष्ट्र के सोपारा किस बंदरगाह से। कनिष्क चला अज्ञात लिख दिया जाता है, तो पता ही नहीं चला इसका राइटर। तो अज्ञात की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार इजिप्ट रोम के साथ होता था। किसके साथ, रोम। रोम इटली की राजधानी क्या है, रोम। और जब जमीन देंगे तो इस व्यवस्था क्या कहा गया, सामंती व्यवस्था। तो बताइए इनके सामंत मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। तो कुषाण शासक के उत्तराधिकारी योग्य हुए नहीं, और सामंत तो वैसे ही योग्य होते थे क्योंकि नौकरी पे किसी की योग्यता ही देख के तो रखिएगा। तो कुषाण शासक के उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहे, कनिष्क के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे, और इसके जो सामंत थे वो धीरे धीरे अपना क्षेत्रफल बढ़ाने लगे और वही जाके आगे बन गए गुप्त शासक। कौन सा वंश आ गया, गुप्त। क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक राजा थे या सामंत, समझ में गया। और इसी गुप्त का सामंत निकलेगा हर्षवर्धन, वर्धन वंश। कौन सा वंश, वर्धन। हर्षवर्धन ने ब्याह नहीं किया, इसलिए उत्तर भारत के इतिहास का अंत हो गया। कितना बढ़िया आदमी था। क्या कहा गया, गुप्त। तो अब हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश। ये भारत का था कि विदेशी था, मतलब सामंत थे तो यहीं के लोगों को नौकरी पे रखा होगा। ये जाति से वैष्णव यानी विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान के उपासक थे। इन लोगों ने बिहार को वैल्यू ना देके उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को राजधानी बना दिया। बिहार को महत्व ना देके उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को क्या बना दिया। तो बताइए जाति से, हाँ, वैष्णव। रीजन भी था कौशाम्बी को राजधानी बनाने का, रीजन समझिए। प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था, सामंतों की। इनका पहला राजा का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो राजा ना होकर क्या थे, सामंत। क्या थे, सामंत थे। क्या थे, सामंत। अगला घटोटकच, घटोटकच, घटोटकच। कौन था, घटोटकच। ये भी क्या थे, सामंत। क्या थे, सामंत। राजा के रूप में शासन नहीं कर पाए। अगला शासक आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला राजा कौन बना, पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम।
पहला राजा चंद्र, तो कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम और संस्थापक श्री गुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी नाम की महिला से हाजीपुर में आके ब्याह किया, हाजीपुर में वैशाली जिला है, वैशाली अरे पटना के बाद हाजीपुर है ना, नहीं राइटिंग पे जो नाव से हिलाता है सब उसको मत हिलिए। तो इसने कहाँ ब्याह किया, लिच्छवी राज के राजकुमारी कुमार देवी से, और इन और इसी उपलक्ष में इन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया, राजा रानी का सिक्का, कौन सा सिक्का, जैसे हम लोग के हेड टेल होता है ना वहां पे राजा की रानी, कौन था सबसे प्रतापी, कौन था इसमें समुद्र को, भारत का नेपोलियन, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत गया। तो इसे लिच्छवी दौहित्र कहता था, लिच्छवी का नाती, लिच्छवी का नाती, तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, समुद्र, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता समुद्र, दक्षिण की भारत के 12 राज्यों को जीता समुद्र, इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्र को, धरणी बंद समुद्र को, धरतियों को बांध दिया जीत के, इसलिए से क्या कहा, धरणी बंद समुद्र, लिच्छवी दौहित्र धरणी बंद कविराज, आगे बढ़ जाए, धरणी बंद समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, क्या नाम था हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, बताइए वर्षकार किसके दरबार में थे, आजाद शत्रु, जीवक किसके दरबार में, बिंबिसार, जीवक नागार्जुन, कनिष्क, आशुघोष, हरिसेन समुद्रगुप्त, हरिसेन हरिसेन समुद्र, प्रयाग प्रशस्त्री विलेख, राजू किसके दरबार में, अशोक, वर्षकार नागार्जुन, नागार्जुन हरिसेन, जीवक, वेरी गुड, सब याद रखिएगा, खुदरा खुदरा पूछ देता है, कह देगा कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में, मयूर शैली का सिक्का समुद्र, ये अशोक के समान था या अशोक के विपरीत, अशोक के क्या था विपरीत, इसके समय श्रीलंका के राजा भारत में एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते थे, तो परमिशन मांगे थे कि बना ले, का बना चल बनाने अनुमति दे दिया था यहाँ पर, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, पहले आप पानी वहीं से पी सकते थे जहाँ आपका क्षेत्र है, तो इसका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था, इसलिए कहा जाता था इसका घोड़ा जहाँ से चाहे पानी पी सकता है, ऐसा नहीं कि सवेरे का पानी इधर पिएगा शाम को इधर पिएगा मर जाएगा, तो अच्छी बचपन का नाम लिच्छवी दौहित्र, धरणी बंद कविराज, भारत का नेपोलियन, बचपन का नाम मयूर शैली का सिक्का, सैनिक वेशभूषा, वीणा बजाते हुए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दरबारी कवि का नाम, दरबारी कवि अशोक के समान या विपरीत, विपरीत बड़ी मार किया गुप्त, ये योग्य नहीं था, इसकी पत्नी का नाम देवी था, देखिए इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी और इसकी पत्नी का नाम देवी, ये बकलोल था, कोनो काम का नहीं था, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही योग्य था, और रामगुप्त योग्य नहीं था, रामगुप्त की पत्नी का नाम, रामगुप्त के भाई का नाम देवी, कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, लेकिन 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया,